देश में धर्म गुरु और बाबा हमेशा से सुर्खियों में रहते आए, फिर चाहे बात आसाराम की हो या फिर राधे मां की, बात संत पाल की हो या फिर बात हो नारायण साईं की। विवादों के भंवर जाल में इन लोगों का नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है, लेकिन इन्हीं चर्चित लोगों के बीच अब एक और नाम शुमार हो गया है और वो है बाबा ओम जी का। जी हाँ, ये वही बाबा हैं जो एक सीरियल में काफी विवादित रहे थे, लेकिन अब इस बाबा का एक वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली के एक वकील ने पुलिस में शिकायत की है और बाबा ओम के खिलाफ FIR दर्ज करने की गुहार की है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर एक बार फिर बाबा ओम जी ने क्या किया, वो कारनामा जिसके बाद मामला गरमा गया। दिल्ली से ये रिपोर्ट। देश के कई बाबाओं के चेहरे भी अजीबोगरीब रूप में सामने आते हैं, बात चाहे आसाराम की हो और या फिर उनके बेटे नारायण साईं की, या फिर बात राधे मां की हो। जब इनकी करतूतें सामने आई तो देश भर में इनके नामों को लेकर और इनके कारनामों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। बात करें अगर बाबा ओम जी की तो ये तो शुरू से ही चर्चाओं में रहे हैं और अब एक बार फिर स्वामी ओम चर्चाओं का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जो इन दिनों सोशल साइट्स पर वायरल हो रही है और इन वायरल होते वीडियो के बाद दिल्ली के एक वकील ने अब बाबा ओम जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दायर की है। दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको सीधे तौर पर दिखा नहीं सकते। यहाँ शिकायत का आधार एक धर्म विशेष को आहत करना बताया गया है। अंदर ये एक लड़की के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस वीडियो के अंदर जो लड़की है वो काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल स्टेट में है और जो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं और जो वेशभूषा धारण कर रखी है वो एक हिंदू संत की है और ये ऑब्सिनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं उस वीडियो के अंदर। तो जो रेलिवेंट सेक्शन में हमने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की है उसमें मैं आपको कंप्लेंट दिखाती हूँ। इसके अंदर टोटल उनके अगेंस्ट हमने 13 एग्जिबिट फाइल की है, जिन एग्जिबिट्स के अंदर एक तो सीडी है जिस उस वीडियो कंटेन करती है, कुछ पिक्चर्स हैं। दूसरा, आप जब इस बाबा के बारे में नेट पे सर्च करेंगे तो आपको नेट पे देखने को मिलेगा जो उनका इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है, स्वामी ओम जी ही इज़ अ सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर। इसमें वो अपने आप को एक धर्मगुरु बताते हैं और जो उनका आचरण है वो किसी भी हिसाब से एक धर्मगुरु के हिसाब का नहीं है। इनके इस कंडक्ट के कारण एक धर्म विशेष जो कि हिंदू धर्म है उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचती है और ये काम भी बार बार करते हैं। बाबा के गले में रुद्राक्ष की माला, साथ में गले में ओम लिखा लॉकेट, ये सब पहन कर बैठे हैं बाबा ओम और इनके आगे अश्लील डांस करती एक लड़की। एक वीडियो तो ऐसा वायरल हुआ है जहाँ ये बाबा योग की मुद्रा में है और जिनके पास ही मौजूद है अर्धनग्न लड़की। यहाँ हम आपको एक उस वीडियो को सीधे तौर पर ना तो दिखा सकते हैं और ना ही इस बाबा की कुछ उन बातों को आपको सुना सकते हैं, क्योंकि यहाँ सामाजिक सरोकार निभाना भी जरूरी होता है। ये जो हमारा काम है अभी ये इसको पहन करके आपको दिखाएंगे और आपको पता लगेगा कि इसकी सुंदरता उससे कितनी ज्यादा बढ़ती है। आप ये देख ही रहे हैं कि ये तो सुंदर हैं ही, लेकिन इससे इनकी सुंदरता बहुत अधिक बढ़ गई है और जो भी महिलाएं बच्चियां इसको पहनेंगी उनकी सुंदरता उनको खुद महसूस होगा, उनके दर्शकों को
उनके घर वालों को तो पता लगेगा है, लेकिन उनको भी महसूस होगा कि उससे सुंदरता कितनी अधिक है। एक वीडियो में बिकनी में लड़की बाबा के पास डांस कर रही है और ये बाबा योग की मुद्रा में है। इन तस्वीरों को देख ऐसा लगता है कि बाबा ओम खुद को विश्वामित्र मान रहे हैं। यहाँ शिकायतकर्ता एडवोकेट प्रवेश डबास का कहना है कि इससे एक पूरा धर्म विशेष बदनाम हो रहा है। डबास के मुताबिक उन्होंने बाबा के खिलाफ शिकायत दी है। यदि इस शिकायत पर FIR दर्ज नहीं हुई तो वे कोर्ट में 156(3) में मामला दर्ज करवाएंगे। मंगोलपुरी थाने में स्वामी ओम जी महाराज एक, उनके अगेंस्ट सेक्शन 294, 295 एंड 298 ऑफ IPC और सेक्शन 67A ऑफ IT एक्ट, और इसके अलावा भी बहुत सारे आपके रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं जिसके अंदर हमने इनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है। उसके साथ साथ हमने NCW जो कि आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसमें भी एक कंप्लेंट फाइल की है। कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट, कोई भी क्रिमिनल केस जो होता है हम फाइल करते हैं, उसमें FIR करने से पहले की स्टेज है। ये हमने कंप्लेंट फाइल की है, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर वो FIR कर देते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर वो FIR नहीं करते हैं तो हम कोर्ट के थ्रू 156(3) में जाके FIR करते हैं। आपको बता दें कि बाबा ने कानूनी दावपेचों से बचने के लिए लड़की की एक बाइट भी साथ में अपलोड की है, जिसमें अश्लील डांस करने वाली लड़की कहती है कि वो जो कुछ कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रही है। इसमें बाबा का कोई दबाव नहीं। आगे आने वाले फिल्म में जब वो फिल्म बनकर के पूरी तरह से तैयार होगी, जब रिलीज होगी, तो आप देखेंगे एक अद्भुत चमत्कारी घटना घटेगी जिससे समाधि के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि पूरा जीवन गंवा देते हैं, वो समाधि इस फिल्म के माध्यम से जो हम टेक्निक देने वाले हैं। जो भी शूट कर रही हूँ स्वामी ओम जी के साथ, अपना बिकनी और न्यूड अपनी सहमति से कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब इन सब तस्वीरों के बाद विवादों में रहने वाले बाबा ओम जी महाराज के खिलाफ दिल्ली के मंगोलपुरी थाने में क्रिमिनल कंप्लेंट दी गई है। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस इस शिकायत पर अपनी क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि विवाद और इस बाबा का पुराना नाता रहा है जो अभी भी जारी है। फर्स्ट इंडिया के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।